नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जब घोड़े के खुर में नाल नहीं होती तो कुछ दूरी तक तो वह बढ़िया दौड़ सकता है, फिर उसके लंगड़ा होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। वैसे भी ज्यादातर घोड़े नाल नहीं होने या घिस जाने के कारण ही लंगड़े होते हैं, लेकिन डी चौक से जो घोड़ा दौड़ा था उसके पास नाल भी थी और मचान भी, मगर उसके बावजूद डी चौक का यह घोड़ा लंगड़ा ही साबित हुआ। यानी जिस घोड़े की पीठ पर सवार होकर मदरसा पैदाइश हवा से नोट लपकने के ख्वाब देख रही थी, अब उसने उनके हाथ में घंटा थमा दिया है, जिसे वे टंटन बजाकर कंगूरों पर बंधे भंबू के साथ ताल मिला रहे हैं। पाकिस्तान पर इतनी मुसीबत न नवाज कार्यकाल में आई और न बेनजीर शासन के दौरान आई, जितनी की डी चौक के घोड़े पर भरोसा करके आज पाकिस्तानी जनता उठा रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान में इमरान लोंडे ने देश में आज ही आपातकाल की घोषणा करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। आपातकाल लगाने का कदम उठाकर इमरान ने साबित कर दिया है कि जिस भारत को वह आंखें दिखाता है उनमें लगे सुरमे की कीमत उल्टे तवे की राख जितनी है। इमरान खान द्वारा पाक में लगाया गया राष्ट्रीय आपातकाल भारत से संघर्ष के मद्देनजर नहीं लगाया है, बल्कि इस देश की पूरी सेना और तमाम सुरक्षा बल टिड्डियों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इन टिड्डियों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पूरी फसलों को तबाह कर दिया है। अब कहने वाले तो यही कहते हैं कि जो मदरसा पैदाइश एक टिड्डे जैसे मामूली कीड़े का सामना नहीं कर पाई, वह भारत के शेरों के सामने क्या टिक पाएगी। वैसे जिस पंजाब प्रांत में टिड्डों ने तहमतबाजों के तहमत छेदार किए हैं, पाकिस्तानी सेना में उन्हीं लोगों का वर्चस्व है, इसलिए पाक सेना को पंजाबी खप्पड़ मुल्लाओं की सेना भी कहा जाता है। मजे की बात यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मंत्री खुसरो बख्तियार ने भारत से इसके लिए अनुभव मांगे हैं, यानी भारत में टिड्डों से निपटने के कौन से उपाय किए जाते हैं। आज पाकिस्तान को उनकी जरूरत पड़ गई है। अब भारत अपने ये अनुभव पाकिस्तान से बेशक साझा नहीं करे, बल्कि यहां एक टिड्डा जमात और है जिसको निपटाने में भारत को दुनिया का बेहतरीन अनुभव है, जिन्हें सीखने के लिए अमेरिका तक को अपनी सेना भारत भेजनी पड़ती है। यानी इसके जमुरों को हूरों की खोज में भेजने की कला जो भारत को आती है वह बेमिसाल है। यह भी पाकिस्तानी ही टिड्डे हैं जो रेंगकर भारत में घुसते हैं, वह भी अंधेरे में। यानी जब भारत जैसा ताकतवर मुल्क रात्रिचर टिड्डों को नेस्त नबूद कर सकता है, तो पाकिस्तान में उड़ते कीड़े उसकी ताकत के आगे कोई अहमियत नहीं रखते। पाकिस्तान अनुमति दे तो इन्हें भी मदरसों में ठूस कर लापता किया जा सकता है, पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वहां के तहमतबाज और बाजवा की सेना मिलकर भी मुल्क के एक छोटे से हिस्सों में उड़ रहे टिड्डों से नहीं जीत पाई है। परमाणु बम से लेकर F-16 और गजनवी गोरी सभी निकाहनामे पर बैठी मदरसे की छोरी साबित हुई, जहां अल्लाह अल्लाह और तोबा तोबा जैसे नारे ही इनके हल्के ध्वनि तंत्र को बेसुरा करते हैं। दरअसल पाकिस्तान का बलूचिस्तान और यमन टिड्डियों का प्रजनन केंद्र माना जाता है। यहां पर सर्दी में टिड्डों का प्रजनन होता है। पाकिस्तान में टिड्डा नियंत्रण का कोई खास प्रबंध नहीं है, इसलिए इस मुल्क में इस वक्त इनका प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क में टिड्डा पैदा हो या तहमतबाज, दोनों ही दुनिया के लिए ठीक नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दुनिया को जख्म देने वाले दोनों ही जानवरों की उत्पत्ति का प्रजनन केंद्र पाकिस्तान है। इनमें से एक कीड़ा सर्दियों में सीमा पार नहीं कर पाता, दूसरा बारिश के मौसम में भारत में घुसता है, एक पाकिस्तान की फसलों को खाता है तो दूसरा पूरी मानव जाति को ही निगलने की फिराक में है। अब इमरान राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करके साबित करना चाहते हैं कि उनके देश की मदरसा पैदाइश टोपियां उछालकर टिड्डों को तो पहुंच लेगी। शायद इसलिए पाकिस्तान में टोपियों और तहमतों के शॉर्टफॉल होने का जोखिम पैदा हो गया है। इसके लिए सेना को भी लगाया जा रहा है, यानी जो सेना ढंग से सलवार के नाड़े बांधना नहीं जानती, अब पाकिस्तान में वह टिड्डे पकड़ती नजर आएगी, जबकि इमरान खान और बाजवा बही खाता लेकर उनके पीछे चलेंगे। सवाल यही होगा कि आज कितने टिड्डे पकड़े हैं। हाथ से सलवार तो नहीं छूटी, मतलब घोड़ा लंगड़ा जरूर है, मगर पूंछ अभी भी फूल झाड़ू का काम कर रही है। शायद इसलिए टिड्डों द्वारा पाक में लगवाया गया आपातकाल इनके मदरसों की दीवारों पर लगी पान की पीक की हकीकत बयां कर रहा है, जिसकी सफाई के झूठे वादे करके इमरान डी चौक का घोड़ा बनकर वजीर आजम की गद्दी तक पहुंचे हैं। यानी इसे कहते हैं 16 महीने लौंडा चला, 17वें महीने मां बनने की नौबत आ गई। वैसे अभी 34 महीने और बाकी है। यह सवाल जरूर गौण है कि लौंडा मां ही बना रहेगा या पूरे पाकिस्तान को ही मां बनाकर छोड़ेगा, पर फिलहाल तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है।
इसके बाद आफतकाल भी शुरू हो सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।